मेरी आवाज बहुत फट रही है, पता नहीं कैसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं राष्ट्रीय गान, हमें अपने देश का सम्मान। सब लोग सावधान अवस्था में बिल्कुल बिना हिले डोले शांत खड़े हो जाएंगे। शुरू करते हैं, सब लोग गाएंगे। जन गण मन विनायक जन भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, रामलोक सल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल दलहि तरंगा। जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गावे सब जय गाथा, जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू सो मच। इतना वक्त दिया हम लोगों के लिए, हम औरतों का हौसला अफजाई किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत भक्त औरतों की तरफ से बहुत थैंक यू। तो मैं आप सबका, हरफत अनस कुरैशी साहब का, इनके बेटे अमीना साहब का, इनकी पूरी टीम का, जितने भी साथी हैं, मैडम का, इनके हस्बैंड, इस हाँ अपना धनी साहब का, इस स्थिति में भी कि इनको किडनी की प्रॉब्लम है, सबके बाद लगातार इस आंदोलन में है, और उन बच्चियों का, और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के तमाम साथियों का, जिनकी बदौलत ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अरे आपको तो धन्यवाद इसलिए भी कि आपने मेरे से मीडिया को धरती निकाल दिया, खत्म करते हो उसको, सोशल मीडिया की चल सके। और सोशल मीडिया का धन्यवाद इसलिए क्योंकि मेरे परिवार का, मेरे परिवार को बहुत बढ़ा दिया। आज जहां जाता हूं मेरा परिवार, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं आपसे बाहर गई हूं, हर जगह मेरा परिवार। बहुत बहुत जिम्मेदार, तो जब मैं परिवार का व्यक्ति हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, और मैं वो जिम्मेदारी अपनी अंतिम सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया तो मुझे सबसे ज्यादा आप सबका करना चाहिए और रफत भाई का करना चाहिए, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ इस आंदोलन में मेरे से छूट जाता। तो धन्यवाद आपका, सबका, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। क्योंकि मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, जो सच है उसे जैसा है वैसे ही रख देता हूँ, बस इतना ही है। अब इसको लोग अपने अपने तरीके से लेते हैं, पर मैं ये काम करता रहूंगा, जीवन की अंतिम सांस तक करता रहूंगा, यही मेरा काम। सबसे पहले धन्यवाद मेरी उन माताओं का, बहनों का, बच्चियों का, और मेरे नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 7 तारीख के बाद से लेकर आज यहां लगातार जमे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग ने आपको जगाया। आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे पश्चिम बंगाल में एक जगह ऐसी ना रह जाए जहां ऐसा शाहीन बाग और न बन जाए, यह आपकी जिम्मेदारी है। और इस चौकीदार और तरीपार को दिखा देना है कि तू जितने अत्याचार करेगा हम उतने मजबूत हैं। अबे ऐसी धमकियां हमने बहुत देखी, बड़े डाल पर बैठ के बंदर दांत दिखाता हमने बहुत देखे, इसकी चिंता नहीं है। ये काम हमें करना है और आपके साथ में इस तरह के आंदोलन में न जाने कितने लोग जुड़े हैं। अभी दो महिलाएं गई, एक बुजुर्ग और दूसरी महिला जो इंग्लैंड से आई है, भाषा अच्छी नहीं बोल पा रही, लेकिन भाषा का महत्व नहीं है, वो जज्बात, वो संवेदना, वो भावना जो आपसे सीधे सीधे जुड़ी है, इस आंदोलन से जुड़ी है और अन्याय के खिलाफ बड़ी असली महत्व उसका। और उसने हम सबको बता दिया, उसने हम सबको बता दिया कि
की बेशक भाषा में हो, हम बोल ना पाए, अच्छी तरह से ना बोल पाए, लेकिन हमारे दिल में जो आग है वो बिल्कुल एक है और वो जब तक जलती रहेगी जब तक अन्याय से मुक्ति नहीं मिलेगी। देखिए ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं या जिस संघर्ष में हम यहां शामिल हैं, अगर उसकी सारी चीजों को, सारी परतों को हम समझ नहीं पाएंगे तो ये भी सच है कि हम लड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हर चीज को समझना बहुत जरूरी है, उसकी अच्छाई और बुराई को, वो किस नियत से लागू किया गया है उसको, और क्या वो चाहते हैं जिन्होंने ये कानून लागू किया है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अरे उसको हिलाओ कम यार। और जिस नियत से लागू किया गया है वो नियत बहुत खतरनाक, बैठे बिठाए अच्छे खासे इस देश को, इस देश की जनता को तरक्की के रास्ते पर ले जाना था, लोगों के दुख दर्द दूर करने थे, देश को वाकई में विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना था, विश्वगुरु बनाने की बात कहते हैं आप तो पढ़ाई को बेहतर बनाना था, लेकिन वो सब आपने नहीं किया और आपने देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने के रास्ते पर पहुंचा दिया। हम चाहें या ना चाहें, लेकिन एक डेढ़ साल में ये होने ही वाला है, तो जो होने वाला है उसको हमें समझना है और उस लड़ाई में हम कैसे जीते ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई और उसी ने एक एक करके जो कानून पिछले कुछ समय में इस सरकार ने बनाए हैं या कुछ कानूनों में संशोधन किया है वो उसी रास्ते पर बढ़ने के लिए और उसी हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए, उसके रास्ते की दिक्कतें दूर करने के लिए सरकार ने वो कानूनों में बदलाव किया है। आप समझ पाएंगे कि जब से दोबारा ये सरकार बन के आई है, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, 23 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, 30 मई को इस सरकार ने शपथ ले ली और उसके बाद सरकार जो संसद का सत्र चला, शुरू के 100 दिनों में सरकार ने कुछ बहुत ही खतरनाक कानून पास किए। हमें सरकार से शादी भी शिकायत नहीं है, शिकायत उन लोगों से कहीं ज्यादा है कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं और वो भी सरकार के सामने घुटने टेक चुके हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उनसे। मैं मानता हूं कि सरकार का बहुमत लोकसभा में है, लेकिन क्या राज्यसभा में है? नहीं ना। और कोई भी कानून तभी बनेगा जब दोनों सदनों से पास होगा, लोकसभा से और राज्यसभा से। राज्यसभा में कैसे पास हो रहा है? राज्यसभा में पास हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं राज्यसभा में वो सरकार के साथ मिल गए हैं या सरकार के सामने घुटने टेक दिए। हमें तो ये पास नहीं हो सकता था, लेकिन हुआ। तो जब विपक्ष खत्म हो जाए और जनता बिल्कुल एक तरह से नेता विहीन हो जाए तो तब क्या करना चाहिए? जनता को खुद नेता बनना चाहिए, जो आप बन चुके हैं। नेता बनना किसी के बाप की बात नहीं है कि कोई पैदा होगा कोई फैक्ट्री में बनेगा। नेता इसी धरती से आते हैं, इन माता की कोख से आते हैं। हम सब नेता हैं और उस समय हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है जब
विपक्ष खत्म हो जाए। तो आज की तारीख में कोई विपक्ष नहीं है, जनता ही विपक्ष है, जनता की लड़ाई है और जनता अपनी लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ रही है। हमारा काम है, इसी के लिए हमने काम किया और सरकार ये समझ चुकी है बहुत अच्छी तरह से कि सरकार के साथ में देश की जनता नहीं है, देश की जनता इसके विरोध में है। मैं चंद अंधभक्तों की बात नहीं कहता, वो चंद मुट्ठी पर अंधभक्त है। अगर सरकार, अगर आप लोगों ने जोर से फूंक मार दी तो हमारा उदाहरण इनका पता नहीं चलेगा कहां गया। सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही। इसलिए जो अंधभक्त है उनको छोड़ के बाकी जनता पूरे देश की, हर प्रदेश की इस चौकीदार और परिपार की सरकार के विरोध में खड़ी है। इसीलिए कहते बोलते हैं, क्या कहते हैं, आपने देखा कहीं ऐसा दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। पहली बार इस देश में आपको उदाहरण देखने को मिला कि संसद ने कानून बना दिया, पास कर दिया, राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए और आपने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, कानून लागू हो गया और उसके बाद उस कानून के समर्थन में आप 1000 सभाएं कर रहे हैं। गृहमंत्री कर रहे हैं सभा 1000 सभा हरियाणा, तो आपको समझ आना चाहिए कि परिवार और चौकीदार पहले ही छठे में घूमने पर आ गए। यही है और क्या। अरे अगर तुमने कानून पास कर दिया तो लागू कराना उसको, कौन रोकता है तुम्हें। लेकिन तुम अपने आप उस कानून के पक्ष में 1000 सभाएं कर रहे हो तो तुम हार चुके हो। और दूसरा, जब आप उस कानून के पक्ष में एक मोबाइल नंबर, आपको ध्यान है जब गृहमंत्री ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दिल्ली के चुनाव से पहले बूथ लेवल के जो वर्कर हैं उनकी मीटिंग की, उसमें एक नंबर दिया कि इस नंबर पर सीएए के पक्ष में मिस कॉल करें। मालूम है नंबर किस किस का था? उसमें कई लड़कियों का नंबर था। तो मतलब जो व्यक्ति इस तरह के हैं वो उसमें मिस कॉल करेगा और जाएगा सीएए के खाते में। अभी तो तुम्हारा स्तर इतना घिर चुका है, चरित्र नाम की कोई चीज हुआ करती है पर कहीं दिखाई तो देती नहीं। स्वाद नंबर और दूसरा, प्रधानमंत्री का कहना कि 1 करोड़ लोगों से चिट्ठी लिखवाएंगे इस सीएए के पक्ष में, तो आपको थोड़ा ध्यान आना चाहिए कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इनके सारे नेता बोल पीटते हैं दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी जिसके 12 करोड़ मेंबर हैं। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ भाई, 12 करोड़ मेंबर और चिट्ठियां 1 करोड़, तो तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ तो तुम्हारे मेंबर ही 1 करोड़ है और अगर 12 करोड़ है तो भैया 11 करोड़ तुम्हारे खिलाफ है, हमारे साथ में है। मुझे तो यही गणित समझ में आता, मैं ज्यादा गणित नहीं जानता पर गणित सीधा सीधा मुझे तो यही आता। नहीं तो तुम ये कहते ना कि 12 करोड़ चिट्ठियां लिखवाएंगे पर 1 करोड़ लिखवा रहे हो, तो तुम दोनों तरह से हार रहे हो। और ऐसे हारे हुए लोगों के खिलाफ लड़ाई हम इतनी मजबूती से लड़ेंगे और दिखाएंगे कि तुम्हारा हो सकता है संसद में बहुमत हो, तुम हो सकता है संसद में कानून पास करा लो, लेकिन चौकीदार और परिपार सड़क पर हम तेरे घुटने टिका देंगे। यही करके लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई हमारे शुरू करी, हमने नहीं करी, इसके शुरू करने वाले वो हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस देश की जनता इस लड़ाई का अंत जरूर करेगी। इस बार हमें करना ही पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये न केवल हमारी बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य की लड़ाई है। ये छोटी लड़ाई नहीं है और इस लड़ाई का हम मजाक में नहीं ले सकते। ये मजाक नहीं है क्योंकि हम जिस परिस्थिति में ये आंदोलन कर रहे हैं उस परिस्थिति में हमारे साथ कोई नहीं, सरकार हमारे साथ नहीं, पुलिस हमारे साथ नहीं, सेना वो अपने हाथ में ले चुके हैं और अदालत भी हमारे साथ नहीं। कभी आपने देखा होगा
की आखिरी उम्मीद अगर किसी व्यक्ति की है तो वो अदालत और लोगों को बहुत उम्मीद इसीलिए 144 यानी 144 पिटीशन सीएए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए और 22 जनवरी को जब सुनवाई हुई तो उसमें 4 हफ्ते के लिए समय दे दिया गया और कहा गया कि 144 पिटीशन का जवाब केंद्र सरकार 4 हफ्ते में दे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये मसला जो है वो पूरे देश से जुड़ा हुआ है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, जो आंदोलन कर रहे हैं वो विपक्ष में है और जो आंदोलन नहीं कर रहे इसका समर्थन कर रहे हैं वो पक्ष में है, तो पूरा देश जुड़ा हुआ है ना, पूरा देश जिस मसले से जुड़ा हुआ हो क्या किसी अदालत को नहीं चाहिए कि सबसे पहले उस मसले को राष्ट्र सुने? लेकिन अदालत ने नहीं सुना, अदालत ने क्या काम किया? अदालत ने 4 हफ्ते का समय दिया और 4 हफ्ते बाद क्या होना है? अभी तो बहुत लोग जो अदालत की कार्रवाई नहीं जानते वो ईमान के बैठे हैं कि 4 हफ्ते बाद इसमें सुनवाई हो जाएगी और फैसला होगा। नहीं, 4 हफ्ते बाद कुछ नहीं होना, केवल जैसे अपडेट पड़ी है एक और डेट पड़ेगी, क्योंकि ये 3 जजों की जो बेंच है ये बेंच इसके सामने जो केंद्र सरकार है वो अपने जवाब देगी और उसके बाद में ये बेंच 5 जजों की बेंच को ये मसला सौंपेगी, क्योंकि ये संविधान से जुड़ा हुआ मसला है, संविधान का सवाल इसमें है, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का मूल ढांचा है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इस सरकार ने किया है, इसलिए मसला जो है अनुच्छेद 14 से भी जुड़ा हुआ है, तो ये संविधान पीठ को जाएगा और उस दिन ये 3 जजों की बेंच संविधान पीठ का निर्माण करेगी और फिर उसके पास ये मसला जाएगा और वो उसी दिन सुनेगी नहीं सुनेगी, जबकि भी देखो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो जो मुझे समझ में आता है ये मसला लंबा चलेगा, सरकार भी चाहेगी जानबूझकर कि इस मसले को लंबा लटकाया जाए, क्योंकि जनता के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं होते किसी भी आंदोलन को करने के लिए, क्योंकि अगर आंदोलन कर रहे हैं तो संसाधन तो चाहिए, सामग्री तो चाहिए और लंबा आंदोलन जब करना हो तो बहुत सामग्री बहुत संसाधन चाहिए, जनता के पास संसाधन सीमित होते हैं, जनता के पास केवल हौसला है, उसकी एकता है, उसका जज्बा है, उसका हौसला और ईमानदारी का और कुछ नहीं है, तो सरकार इसको लंबा चलाना चाहेगी और सुप्रीम कोर्ट का जो ढंग नजर आ रहा है उससे भी ऐसा लगता है कि मामला लंबा चलेगा, जबकि होना ये चाहिए था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट को 1 महीने के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा इस मामले को सुनवाई करके खत्म करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट रात भर भी बैठी है, आपको मालूम है मनन वाले केस में बैठी है, तो जब आप रात भर सुनवाई कर सकते हैं तो इसमें दिन में ही सुनवाई 1 महीने के अंदर करके क्या दिक्कत है? आप उसको खत्म करो मसले को, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो समझ में आ रहा है, मुझे बिल्कुल पता है ये मामला लंबा चलेगा और अगर 15 मई तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो आप मान लेना ये मसला जुलाई तक जाएगा, क्योंकि 15 मई के बाद में सुप्रीम कोर्ट की 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी गर्मी में, इसलिए मामला लंबा लग जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए हमें ये समझ में आ जाना चाहिए लड़ाई लंबी चलेगी और हमारे साथ अदालत भी नहीं, बहुत सीधा सीधा। इसलिए अब हमको लड़ना है और अपने आप को तैयार करना है और हमारे पास साधन कुछ नहीं है, सरकार के मुकाबले तो कुछ नहीं है, तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे ये समझने का बहुत आपको जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो सरकार है ये सरकार लगातार कोई ना कोई काम इस तरह का कर रही है जिससे हमारी दिक्कतें लगातार बढ़ रही है और उन्हीं दिक्कतों में हमें लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हमें तैयार होना है। सो ये जो सरकार है इसने सीएए कानून लेके आई, इसको जरा समझे आप, तो सीएए कानून आप लेके आए हैं,
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जहां भी सभा की उसमें ये कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक रूप से प्रताड़ित, यानी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इंग्लिश में, कि धर्म के आधार पर जिनके साथ अत्याचार हुआ है और वो कौन है सरकार की नजर में, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी, मुस्लिम उसमें शामिल नहीं, ज्यूज उसमें शामिल नहीं, नास्तिक लोग उसमें शामिल नहीं। और आपको मालूम होगा भगत सिंह नास्तिक थे, देखा ना उन्होंने कहा, उन्होंने मैं नास्तिक हूं। सो जब ये लोग शामिल नहीं है, केवल आप इन छह धर्मों के लोगों को कहते हैं कि धार्मिक अत्याचार इनके साथ हुआ है, हम इनको नागरिकता देंगे। लेकिन जो सरकार के दस्तावेज हैं, सरकार के जो कागज हैं, आप उसको पढ़ेंगे, उस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उस नोटिफिकेशन में कहीं भी सरकार ने यह नहीं कहा कि धार्मिक रूप, धार्मिक अत्याचार जिनके खिलाफ है हम उनको नागरिकता देंगे। तो सवाल ये होता है, मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री झूठ की बोल रहे हैं, ये सरकार का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शन 2 है अगले पेज पर, इसमें बहुत ये ऊपर सबसे ऊपर इसमें लिखा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 तक हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी जो भारत में आ गए हैं और रह रहे हैं, हम उनको नागरिकता देंगे। तो जब आप कह रहे हो कि धार्मिक अत्याचार हो रहे हैं तो इसमें लिख क्यों नहीं रहे, उसमें लिखने में आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब ये माना जाए कि धार्मिक अत्याचार का नाम आप केवल लोगों के बीच नफरत फैलाने के लिए, उन्हें आपस में लड़ाने के लिए कह रहे हैं, और लिखित में क्योंकि धार्मिक अत्याचार है ही नहीं इसलिए आपने लिखा नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो समझ में आना चाहिए कि सरकार कह कुछ रही है और सरकार कर कुछ रही है। तो ऐसी सरकार जो हर बात पर झूठ बोले, ऐसी सरकार जो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाए, उस सरकार से हमें लड़ना है। और आप जो कह रहे हैं वो लिख नहीं रहे, तो आपको 1955 में यानी संविधान लागू होने के 5 साल बाद भी नागरिकता का जो कानून बना था, जिसके आधार पर सबको नागरिकता दी जाती रही थी, खुद तुमने भी पिछले 5 साल में पाकिस्तान से आए हुए 550 मुस्लिमों को नागरिकता दी, तो अब तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत इसलिए है कि जब तक ये मुस्लिम को गाली नहीं देंगे, जब तक ये मुस्लिम के खिलाफ बोलेंगे नहीं, तब तक इनकी राजनीति चलेगी नहीं। क्योंकि हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही तो बीजेपी की राजनीति है, कुछ नहीं उनके पास, बाकी सारा मामला कुछ नहीं, खाली बिल्कुल। इसलिए इन्होंने इसमें जानबूझकर मुस्लिम शब्द को नहीं रखा, यह है सरकार की बेईमानी। और जो असली मकसद था वो ये था कि जो 3.5 साल में आसाम में इन्होंने एनआरसी कराई, उस एनआरसी में 19 लाख लोग जो बाहर हो गए, उन 19 लाख में इनकी मंशा ये थी, इनकी इच्छा ये थी, चाह ये रहे थे कि इसमें सारे के सारे मुस्लिम आ जाएंगे, उन्हें निकाल देंगे तो हमारा राज आसाम में परमानेंट कायम हो जाएगा और हम यहाँ पर स्थायी रूप से जम जाएंगे। लेकिन इनकी बदकिस्मती कि 19 लाख में से लगभग 15 लाख लोग गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू निकल गए। अब हिंदू निकल गए तो उन्हें कैद में कैसे भेजेंगे, डिटेंशन कैंप में कैसे भेजेंगे? क्योंकि डिटेंशन कैंप में तो या तो मुस्लिम को भेजेंगे या एससी एसटी और ओबीसी को भेजेंगे, हिंदू को नहीं भेज सकते। इसलिए उन 15 लाख लोगों को नागरिकता देनी है। और जब गृह मंत्री कहते हैं कि लोग तो वैसे ही इसका विरोध कर रहे हैं, ये तो नागरिकता देने का कानून है, लेने का तो नहीं है, तो माननीय गृह मंत्री जी जरा कान खोल कर सुनो, आपके कान तक पहुंच रही आवाज मुझे मालूम है, तभी आप मेरा नंबर जो नोट कर रहे हो, लगातार आपने मेरे नंबर को सर्वे पर लगा रखा है, उसका सर्वेलेंस कर रहे हो, खूब मेरे विषय में जानकारी ले रहे हो, तो आप ये सुन लो कि
ये नागरिकता देने का ही नहीं, नागरिकता न देने का भी काम है। क्यों क्यों कि आप इसके आधार पर जो 15 लाख हिंदू हैं उन्हें तो नागरिकता दे दोगे, लेकिन जो 3-4 लाख मुस्लिम हैं उन्हें नागरिकता नहीं दोगे, क्योंकि आपके कानून में मुस्लिम तो है ही नहीं, इसलिए आप उन्हें नागरिकता दोगे। तो ये देने और न देने दोनों का कानून है। तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो कि हमें समझो मुंह के, हमें मालूम है तुम तो डिग्री भी नहीं दिखाते अपनी, तो हमें क्या समझ हम जानते नहीं। यही समझना आपको जरूरी है। मीडिया वाले आके आपसे पूछते हैं क्या है सीएए बताओ, कैसे बताओ, तो सीएए को सीधा कहो धर्म के आधार पर भेदभाव करके नागरिकता देने वाला कानून सीएए, बहुत सीधे शब्दों में। धर्म के आधार पर अगर आप नागरिकता देंगे तो आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में संविधान सबसे ऊपर है। न कोई प्रधानमंत्री, न कोई गृह मंत्री, न राष्ट्रपति, न इस देश की कोई अदालत, अगर सबसे ऊपर है तो वो संविधान है। और वो संविधान किसने बनाया? हमने। इसीलिए तो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमने बनाया। तो सबसे ऊपर हमारा संविधान है, और संविधान कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने के लिए, और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए, और उसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण रखने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत आत्मकृत और अधिनियमित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना, तो इसका एक जो शब्द है वो शब्द कहता है पंथ निरपेक्ष, यानी हमारा देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इस देश में जो भी व्यक्ति रहता है उसको अपने धर्म का पालन करने, उसके अनुसार रहने, रीति रिवाजों का पालन करने का पूरा अधिकार है। कोई उसके साथ कोई जाति जबरदस्ती नहीं कर सकता। और आप धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं तो आप भेदभाव कर रहे हैं, जिसे हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम साथ पर दूसरा जो अनुच्छेद 14 है संविधान का, वो कहता है कि राज्य यानी सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा और क्षेत्र के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। व्यक्ति के साथ, केवल नागरिक ही नहीं, नागरिक तो हमारे देश का ही हो सकता है, व्यक्ति तो दुनिया में कहीं का है। तो हमारे संविधान की महानता देखिए, दुनिया का कोई व्यक्ति आए उसके साथ इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तुम कर रहे हो तो बर्दाश्त कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, इसीलिए विरोध करेंगे, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। और केवल विरोध इतना ही नहीं, इस सरकार की मंशा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल बड़े गंभीर है। केवल सीएए की बात होती चलो मान, एनपीआर क्यों करा रहे हैं? एनपीआर जो आप करा रहे हैं, इस एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब आप इस देश की जनसंख्या जानना चाहते हैं। तो आप 10 साल में जो जनगणना होती है भारत की, वो क्या है भाई? वो भी तो यही है। तो आप एक ही काम को दो दो तरह से क्यों कर रहे हैं? यानी एक ही तरह के दो रजिस्टर बना रहे क्यों? और आपने आधार कार्ड किसके लिए बनाया? आपने वोटिंग लिस्ट किस बात के लिए बना रखी है? आपने जो है ये पेन नंबर जो किस बात के लिए दे रखे हैं? कितने तरह के नंबर चाहिए आपको?
कितना राज्य बनाएंगे एक ही तरह के आगे। सो एनपीआर की जरूरत नहीं है, लेकिन गृह मंत्री कहते हैं कि एनपीआर हम इसलिए बना रहे हैं ताकि लोगों की भलाई के लिए योजनाएं बनाई जा सके। अब तो बेईमानों पहले ये बताओ, जो तुमने पहले योजना बनाई वो लागू कर दी तुमने? मेरी समझ में यार, हम किसी मिस्त्री पर विश्वास इसलिए करेंगे कि जो उसने पहले कहा वो करके दिखाया, तो विश्वास करें, पहले ही धोखा दिया तुमने और अब दोबारा से कह रहे हो तो कैसे विश्वास करेंगे? नहीं, हमें तुम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं तुम इस देश को बर्बाद करना चाहते हो और हम किसी हालत में इस देश को बर्बाद होने नहीं देंगे किसी हालत में। तुम सपना देखते हो हिंदू राष्ट्र का, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सपना तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि देश को तोड़ने की बात नहीं। और यहाँ जो देश को तोड़ने की बात करेगा, देश के लोगों की भलाई की बात करेगा, देश उसका साथ देगा, नहीं तो उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए केवल सीए हमारी समस्या नहीं है, एनपीआर हमारी समस्या नहीं है, एनआरसी हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इन्हें उखाड़ के फेंकना। जब तक ये जड़ नहीं खत्म होगी, ये बीमारी खत्म नहीं होगी। और ये मौका मिला है, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। अरे ये जनता निकलती नहीं थी, तुमने निकाल दी भाई, तुमने निकाल दी। भतेरे हम कहते थे ईवीएम पे आंदोलन कर रहे, लोगों के घरों में जा जाके पर्चे बांटे, गलियों में गए, समझाया, सब कुछ किया, लेकिन लोग निकलते ही नहीं थे। अब सारे के सारे निकल के आ रहे हैं, तो धन्यवाद तो चाहिए ना, क्योंकि उनकी वजह से आ रहे हैं। इसलिए धन्यवाद उनका कि आपने वो काम किया जो हम नहीं कर पाए, जिसे हम चाहते थे। पर अब जब मैदान में आए हैं तो लड़ाई जीत के ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। और ये जो एनपीआर, इसकी शुरुआत लड़ाई की हो चुकी है। आप ये मत समझना कि कुछ और होना, कि पुलिस आएगी, फौज आएगी, तभी लड़ाई मानोगे, नहीं, ये लड़ाई चल रही है और हम सब लड़ाई के मैदान में हैं। लड़ाई के मैदान में मनोरंजन नहीं हुआ करता, लड़ाई के मैदान में लड़ाई को जीतने की रणनीति बनाई जाती है और उस पर अमल किया जाता है ताकि हम लड़ाई जीत सकें। तो लड़ाई चल रही और उस तरफ वो है, उसी तरफ इस तरफ हम हैं। और इस लड़ाई में जो पहला बड़ा संघर्ष होने जा रहा है वो है 1 अप्रैल को एनपीआर शुरू होने जा रहा है। किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, इस एनपीआर को पूरी तरह से फेल करना, कोई जानकारी सरकार को नहीं देना, कोई भी सरकार चाहे जो करे, एक भी जानकारी हमें सरकार को देनी नहीं है। सरकार ने बहुत प्यारा जाल फेंका है, गृह मंत्री ने कहा नहीं नहीं एनपीआर में किसी कागज की डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, एनपीआर जो है आप चाहो तो कोई जानकारी दे दो, ये ना चाहो तो मत दो, आपकी मर्जी है। यही वो जाल है जिसमें वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनपीआर का जो फॉर्म है उसमें 21 तरह की सूचनाएं मांगी गई हैं, 15 से आगे की जो सूचनाएं हैं वो सबसे खतरनाक है। आप में से सारे बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, मैं समझता हूँ सारे ही साथ पढ़े लिखे होंगे, इस बात को समझो, अगर हम एक भी कागज नहीं देते, एक भी डॉक्यूमेंट सरकार को नहीं देते हैं, फिर भी सारी जानकारी हमारी, जो हमारी निजी जानकारी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी नहीं ले सकती, वो जानकारी सरकार के पास चली जाएगी। कैसे? ये समझो आप, इस 15 के बाद जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो कॉलम है 16वें नंबर पर है, आपके माता पिता का जन्म स्थान कहाँ है, माता पिता, और फिर उसके बाद में आपके माता पिता की जन्म तिथि क्या है,
आपका आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड नंबर, आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर क्या है, चुनाव वाला जो है आपका पैन कार्ड, इनकम टैक्स वाला उसका नंबर क्या है, और आपका फोन नंबर क्या है, और आपका जो पासपोर्ट या लाइसेंस वाला है वो नंबर। तो ये जो सूचना है, अब आप इसको समझो कि सरकार ने हर चीज से आधार कार्ड जोड़ दिया और आधार कार्ड के साथ में आपका फोन नंबर जोड़ा है। तो फोन नंबर जुड़ा है आधार कार्ड से, आधार कार्ड जुड़ा है आपके बैंक अकाउंट नंबर से, और बैंक अकाउंट जुड़ा है आपका पीएन परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स वाले से। एक बटन दबाइए, केवल एक सूचना की जरूरत है, उसके बटन दबाते ही सारी सूचनाएं सरकार के पास आ जाएंगी। तो इसमें दस्तावेज की क्या जरूरत, इसमें कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं। तो सरकार चाल में फंसाना चाह रहे कि दस्तावेज की तो जरूरत नहीं है, नहीं, किसी चाल में नहीं आना। तो जब एनपीआर वाला कोई आपके यहां आए, बड़े प्यार से उसको बिठाना, भैया बैठ, उसे पानी देना, उसे चाय पिलाना, नमकीन और बिस्कुट भी देना, खा रहा। उसके बाद में जब वो कह के बताओ आपके घर में कौन कौन है, पिताजी का नाम क्या है, माता जी का क्या, हे मास्टर जी सुनो, चाय पी ली आपने, नमस्ते आपकी हमारी हो गई, अब आप जाओ और बड़े प्यार से, प्यार से। वो नफरत से करते हैं काम, लेकिन हम प्यार से करेंगे यही काम। सो कोई सूचना देनी नहीं, एक भी सूचना, अब डरना नहीं, डरना नहीं है। ये सरकार आप में से किसी भी एक व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बड़ी कमजोर खड़े हुए लोगों की सरकार है, सरकार ने हिम्मत होती। मैंने तो कहा ना, तेरा सीना अगर 56 इंच का है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दे, 25 के नहीं समझता। डरे हुए लोगों की सरकार है, अबे डरे हुए से डरेंगे हम क्या, नहीं, सरकार को हमसे डरना है और सरकार हमसे डरी हुई है, ये है हकीकत। इसीलिए काम करें, सो हमें सूचना देनी नहीं है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, केवल आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। और डरना हमें नहीं, डरेगा कौन, जो चोर होगा, जो बेईमान होगा। अरे जो ईमानदार है, जो सच के साथ में खड़ा है, वो क्यों डरेगा भाई, जो सच जैसा है सामने है। तो हम सब सच के साथ में हैं, ये देश सच के साथ में है, तो हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, इसलिए हम डर ही नहीं किसी हाल में, समझना। यही हौसला, यही जज्बा हमारी लड़ाई की ताकत है, इसे हमें बढ़ाना है, एक दूसरे को समझाना, इन चीजों को समझना जरूरी। लेकिन ये एनपीआर कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी। एनपीआर क्यों कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए नहीं। आप तो मालूम होगा 2003 में वाजपेयी सरकार में एनआरसी का डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था, उसका सेक्शन 14 है, उस सेक्शन 14 में लिखा है कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है, यानी पहली सीढ़ी है। मतलब ये मान के चलो आप, अगर घर में आपको घुसना है तो दरवाजा है, ये दरवाजा अगर खुल गया तो घर खुल गया, घर में घुस जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। तो दरवाजे को बंद करने के लिए घुसने नहीं देना, इसलिए ये एनपीआर क्यों है, ये पहला कदम क्यों है। अगर आपने सारी जानकारियां दे दी तो सरकार के पास सारी सूचना पहुंच गई, और अगर कोई जानकारी नहीं दी, अब आप ये समझो, ये जानकारी बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि आधी से अधिक आबादी हमारे देश की अनपढ़ है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे हर साल बाढ़ आता है, लोगों के घर मकान बह जाते हैं। कागज की बात करें तो जिनके कागज इस तरह से बह गए, घर मकान बह गए, वो कहां से बताएंगे कि वो यहां के नागरिक, कहां से बताएंगे वो कि वो वहां रहते हैं, उनके माता पिता वहां पैदा हुए। अगर आप किसी गरीब आदमी से पूछो, अनपढ़ व्यक्ति से पूछो, तो वो क्या बताता, उससे आप ये पूछो तेरी जन्मतिथि क्या है, वो कहेगा बाबूजी 23 साल का हूं,
ये कहेगा भाभी 40 साल का हूं मैं, आप पूछ रहे जन्म तिथि तो बता रहा है उम्र, अब चाहिए जन्म तिथि, इसका मतलब ये है उस बेचारे को नहीं पता वो कब पैदा हुआ, उसे फिर कितना ही पता है कि मेरी उम्र 40 साल या 35 साल या 32 साल हो गई, अब चाहिए चुनाव, चाहिए उसमें जन्म तिथि, इसलिए ये जानकारी जब नहीं होगी, मेरे माता पिता कहां पैदा हुआ जब ये जानकारी नहीं होगी, तो उसका जो एनपीआर का फॉर्म है उस एनपीआर के फॉर्म को ये संदेह के कागज समझकर एक डिब्बे में डाले और फिर उसके बाद उसके नोटिस भेजेंगे भैया इसकी जानकारी थी और आप वो जानकारी दे नहीं पाओगे तो आप इस देश के नागरिक नहीं है। यही खेल है कि एनपीआर का इस्तेमाल ये एनआरसी के लिए करेंगे उसमें आपके पास नहीं आएंगे, एनपीआर से सारी जानकारी लेने के बाद दफ्तर में बैठ के सारा काम करेंगे और आपको समझ लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति की नागरिकता चली जाती है उस व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है ये समझना आपको जरूरी है। जैसे ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है वैसे ही उसको वोट देने का अधिकार नहीं है और जब आपको वोट देने का अधिकार नहीं है तो आपको चुनाव में खड़े होने का इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार नहीं है और जब आपको ये तीनों अधिकार नहीं है तो आप इस देश में हैं आप विदेशी हैं और आप इस देश के नागरिक नहीं है तो आप अपनी संपत्ति नहीं रख सकते, कोई घर मकान दुकान नहीं रख सकते, कोई जमीन जायदाद नहीं रख सकते, तो सरकार ने पहले ही आपसे वो जानकारी ले ली है और एक बटन दबाते ही सब पता लग जाता है कि किसके कितने घर हैं, कितना बैंक में पैसा है, कितनी मकान कितनी दुकान कितनी प्रॉपर्टी सब पता लग गया ना, तो नागरिकता खत्म तो संपत्ति का अधिकार आपकी कोई प्रॉपर्टी सरकार उसको जब्त कर लेगा और इसके साथ साथ जो आपके बैंक अकाउंट है उनको सीज कर देंगे, सो आपका पैसा जब जब किस किस मोड़ में कि आप कागज नहीं दिखा पाए, काहे का नागरिकता का, अबे हमारे बुजुर्ग इस देश में पैदा हुए, हम इस देश में पैदा हुए, हमारे बच्चे इस देश में पैदा हुए, पीढ़ियां गुजर गई, अब तक तो हमसे नागरिकता की बात पूछी नहीं, अब तू जो सरकार बना के बैठा है अगर हम नागरिक नहीं है तो बिना नागरिकों के तूने वोट ले ली, पहले तो तू रिटर्न कर गया और फिर तेरी बात करेंगे, तू तो हमारी वोट तो है नागरिक नहीं है, तो नागरिक नहीं है पहले इस्तीफा दो, लोकसभा को भंग करो और बैलेट पेपर से चुनाव करो फिर जीत के आप फिर देखेंगे नागरिकता क्या है, ये स्थिति है इसको समझना। सो जिन लोगों की अपने भी पता नहीं है दसवीं पास है या फेल है नौवीं पास है फेल उसका कागज तो दिखाने पाया हमसे कागज देख रहा है, ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है तो हम इस देश के नागरिक थे हैं और रहेंगे, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, चौकीदार या कड़ी पार का देश नहीं, हमारा हमारे बुजुर्गों का हमारे बच्चों का देश है, हम एक कागज नहीं निकालेंगे अब जो हमारी नागरिकता खत्म करके दिखा फिर बताएंगे डरना रहेंगे बिल्कुल भी, ये चीजें समझने की जरूरत है तो जो कोई आए जो कोई पूछे उसकी आंख में आंख डाल के बात करो पता लग जाएगी कितने पानी में बिल्कुल झिझकना नहीं, वो लड़ाई है हमारी और लड़ाई बहुत बड़ी क्योंकि इनके किसी बात को हम मजाक में नहीं ले सकते, क्यों थोड़ा सा पीछे जाओ इन्होंने नारा दिया अच्छे दिन आएंगे आने वाले, अबे इससे बुरे दिन और क्या आएंगे, बेड़ा गर्क कर दिया जैसा वो इनका वो है ना बाबा लाला रामदेव तराजू लेके बैठा गाय गोबर के नाम पे पता नहीं क्या के बेच रहा है, ऐसे ही ये बैठे हैं तराजू लेके, जो संपत्ति देश की इन्होंने बनाई नहीं, जो सरकारी उद्योग धंधे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधे इन्होंने बनाए नहीं उन्हें लगातार बेच रहे, तो ऐसी औलाद जो अपने पुरखों की बनाई हुई दौलत को बनाई हुई जायदाद को संपत्ति को बेचे क्या कहोगे उसे लाएगी या ना लाए, अबे तो ना लाए कैसे बोलेंगे क्या हम, ये है सही ये समझना जरूरी है तो ये पूरे देश को बेचने पे लगे हैं। अब शुरुआत कहां से करी इन्होंने, शुरुआत करी इन्होंने हमारी कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी से,
हम सब ये समझते रहे गरीब आदमी विशेष का बात खुश था, नोटबंदी काला धन भाग बाहर निकलेगा, अब मेरे पास तो है ना तो मेरा क्या निकलेगा, जो अमीर है उनका निकल जाएगा, किसी का निकला क्या नहीं निकला, काला धन भ्रष्टाचार आतंकवाद और नकली नोट ये सारे के सारे नोटबंदी के बाद और बढ़ गए, कम नहीं हुए, लेकिन ये कह रहे थे इससे सारे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं हो। असली मकसद क्या था? अगर किसी व्यक्ति को जीतना हो तो उसकी जहां से भी सपोर्ट हो सकती है उस सपोर्ट को खत्म करो। हमारी सपोर्ट क्या है? हमारी सबसे पहली सपोर्ट है हमारा ज्ञान, हमारी जानकारी, हमारी शिक्षा, ये है हमारी सबसे बड़ी ताकत। तो इन्होंने इस एजुकेशन को, इस शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद किया। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा, आठवीं क्लास का बच्चा, प्राइवेट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले तीसरी चौथी क्लास के बच्चे के बराबर भी कुछ नहीं जानता है, नहीं है। अब सरकारी स्कूलों में किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, उनका बच्चा पढ़ता है। इनके बच्चे तो सारे के सारे प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, इनको क्या दिक्कत है? इनके पास पैसे की कमी नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा का बेड़ा गर्क किया और इस सरकार के बनने के बाद इन्होंने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं उससे शिक्षा को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में दे दिया और कह दिया कि अपने आप सिलेबस बनाओ, अपने आप पैसे का इंतजाम करो, हम आपको एक पैसा देने वाले नहीं है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। और कौन नहीं दे रहा शिक्षा के लिए पैसा? प्रधानमंत्री की पिछले 5 साल में जो यात्राएं हुई उन यात्राओं में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए पिछले 5 साल। इस साल में जो जून से अब तक यात्रा करी है उसका तो हिसाब ही नहीं आया, बिल नहीं बना भी। एक जो जानकारी आई है उस जानकारी के हिसाब से जून से अब तक जितनी बार यात्रा करी है उसका बिल नहीं बना प्रधानमंत्री का। बेईमानी आप समझ सकते हैं किस स्तर पर है, भ्रष्टाचार किस स्तर पर है। तो पीछे जो 5 साल में यात्रा करी उसमें 1200 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ और आया देश में कुछ नहीं। जो वो शेर बना रखा था ना मेक इन इंडिया का, पता नहीं उसके अंजर पंजर कहां निकल गया, अब तो दिखाई नहीं देता मेक इन इंडिया, सो आया कुछ नहीं। 1200 करोड़ रुपए यात्रा में खर्च, 5500 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में इस प्रधानमंत्री ने केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए, आप जाते हैं ना रोड पर देखते हैं होर्डिंग लगे होते हैं, इन होर्डिंग्स में इस प्रचार में 5500 करोड़ रुपए खर्च किए। और अभी बजट आया है 600 करोड़ अकेले प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। एक देश जिसमें इतनी गरीबी है कि 3 लाख लोग भूख से मर जाते हैं, 40 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, 25 लाख लोग प्रदूषण से मर जाते हैं, 12,000 जिस देश में हर साल किसान आत्महत्या करते हैं, 14,000 बेरोजगार लोग आत्महत्या करते हैं, तकरीबन 11,000 बच्चे पढ़ाई के दबाव में आत्महत्या करते हैं, जहां हर 3 मिनट में महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, ऐसे देश में प्रधानमंत्री इतनी रईसी से जीता है कि उसकी सुरक्षा के लिए 600 करोड़, चेहरा दिखाने के लिए साल में 1100 करोड़ और यात्राओं के लिए पूरे 5 साल में 1200 करोड़, इतना खर्च। और जेएनयू पर शिक्षा के लिए कितना खर्च? जेएनयू पर जिसमें 8,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए खर्च है एक साल का मात्र 410 करोड़। उस देश में प्रधानमंत्री लगातार विदेश यात्राएं करके देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं। ऐसी सरकार के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें लड़ना है, संघर्ष करना है, क्योंकि उनका हिंदू का जो एजेंडा है वो उसे लागू करेंगे। और इसके लिए ही इन्होंने, आपको ध्यान है कर्नाटक के एक मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में अनंत हेगड़े, उसने कहा था कि हम देश के संविधान को खत्म करने के लिए आए हैं। और उसके बाद देखा आपने दिल्ली में संसद मार्ग पर संसद के सामने ही संविधान को चलाया गया, किसी नेता ने, किसी पार्टी के ने, किसी एमएलए एमपी ने कुछ नहीं बोला, संविधान चल रहा है। जिस संविधान की वजह से वो संसद में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं,
जिस संविधान की शपथ खाकर ये सरकार काम कर रही है, देखा तो चौकीदार कैसे जो उसको सीढ़ी को चूम रहा था पहली बार गया संसद की, देखा ना देखा। अबे तो नौटंकी करो, जब बचाने की बात आती है काम की बात आती है कुछ नहीं। ऐसी सरकार संविधान चल गया। और इसके बाद जो बाकी और लोग आए, खुद गृह मंत्री कहता है कि भाजपा 50 साल तक राज करेगी, नहीं झूठ बोल रहा। अगर इस देश में ईवीएम रहेगी तो बीजेपी 50 नहीं 500 साल तक राज करेगी। करने दोगे क्या? करने दोगे क्या? इसलिए ये जो CAA NPR और NRC की लड़ाई है, इसमें एक शब्द और जोड़ो, कहीं दिखता नहीं है, जोड़ो उसे ईवीएम, नो ईवीएम, रिजेक्ट ईवीएम। क्योंकि ये सरकार ईवीएम में डकैती डाल के जीती हुई सरकार है, जनता की वोट से मिली नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ, चार बार हमने आंदोलन किया, चार बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, पूरे डाटा दिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको कोर्ट करके हमने सारी चीजें कही, आज तक राष्ट्रपति उसका जवाब नहीं दे सका। और वो जवाब जब देगा तब देगा, मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि पुजारा जो राष्ट्रपति है वो इतना कमजोर है, जो मंदिर में जावे और सीढ़ियों से भगा दिया जावे तो राष्ट्रपति क्या करेगा बेचारा, दिक्कत तो यही है, हमें बारे में जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन ये ईवीएम यही बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसलिए इस ईवीएम को खत्म करना सबसे जरूरी काम है। क्योंकि जिस देश की आधी से अधिक आबादी है, और ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग, मैं खुद एडवोकेट कहता हूं, हम नहीं जानते ईवीएम कैसे काम करती है, हमें नहीं पता। तो एक बटन दबाते हैं और लाल बत्ती जल जाती है, इसका मतलब वोट पड़ गया, नहीं। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी 8 अक्टूबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुकदमे में, उस जजमेंट में खुद जो सुब्रमण्यम स्वामी है उसने कहा है कि बटन दबाना और लाल बत्ती का जल जाना मतलब ये नहीं है कि आपकी वोट पड़ गई, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने जो बटन दबाया है उस वोट जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को हम चाहते हैं उसे ही गई है या नहीं, वो वैलिड है या इनवैलिड, हमें नहीं पता। इसलिए ईवीएम बंद होनी चाहिए। और इसके अलावा जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में आपने देखा होगा, चुनाव से पहले 20 लाख ईवीएम गायब होने का, 20 लाख ईवीएम का कोई डाटा अभी तक इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं है। जो बॉम्बे के आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा डाल रखा, जो आज भी चला है कि 20 लाख ईवीएम कहां गई। क्योंकि जो कंपनी है वो तो कहती है कि हमने 40 लाख दिए हैं, और इलेक्शन कहता है हमने 20 लाख ही हमें मिले हैं इलेक्शन कमीशन के अनुसार, 20 लाख कहां गए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जो डाटा है, 23 मई 2019 को जो लोकसभा चुनाव का डाटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पड़ा है, उसमें जितनी वोटें पड़ी 373 लोकसभा क्षेत्रों पर 8,000 से लेके 18,000 वोट ज्यादा निकली। तो अभी ये बताओ, अगर तुम्हारी ईवीएम सही है तो ज्यादा वोट कैसे निकली, बताओ कैसे निकली। इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दिया। ये भी पूछा गया उससे, अरे ये तो बता दो कि वीवीपैट की जो पर्चियां उनकी गिनती हुई वो कितनी है। इलेक्शन कमीशन कहता है मेरे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अबे तेरे पास नहीं है तो किसके पास है, उसका नाम बता दे, बताओ ना। मैं चुनाव कराने वाला इलेक्शन कमीशन, लोकसभा का चुनाव, सारी जिम्मेदारी उसकी, तेरे पास आंकड़ा नहीं है तो किसके पास है, और जब तुझे पता ही नहीं है तो रिजाइन करके जाएगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बेईमान है, पल्ले चाटता है इस चौकीदार और परिपाल। ये है दिक्कत, ये है हमारी समस्या। सारे विभाग सरकारी उनके पास, सब कुछ उनके पास, तो हमारी लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई है, कितनी मजबूत लड़ाई है, कितनी मजबूती से हमें लड़ना है, ये समझना हमें जरूर पड़ेगा। उसी के लिए हम लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं इस आंदोलन में सड़क पर। तो केवल एक यही बात नहीं, तो ईवीएम को इसमें जोड़ो, और इसके अलावा जो हमें काम करना है उनके सारे नारों को समझना है। आपको ध्यान है उत्तर प्रदेश में उन्नाव से एक सांसद है साक्षी महाराज,
साक्षी महाराज ने कहा कि अगर 2019 का चुनाव बीजेपी जीत गई तो 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। और इसको साथ में जोड़ के देखिए कि जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि इस देश में 130 करोड़ हिंदू हैं और 2024 में हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे मतलब इस देश के संविधान को खत्म करेंगे, और संविधान खत्म तो इलेक्शन खत्म, क्योंकि संविधान के अनुसार ही तो इलेक्शन हो रहे हैं, तो संविधान खत्म तो इलेक्शन खत्म, जो साक्षी महाराज ठीक कह रहे हैं। तो क्या आप इन सारी चीजों को बर्दाश्त करोगे, सड़क पर आकर लड़ोगे? नहीं, ये समय है लड़ने का और एकजुट होकर लड़ने का। हमारे अपने संगठन हो सकते हैं, हमारी अपनी पार्टियां हो सकती हैं, हमारे विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई तो सबकी है, आपकी भी है, आपकी भी है, आपकी भी है, उनकी भी है, उनकी भी है, आप सबकी है, मेरी भी है, तो ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है। हमारे बाकी जो गिले शिकवे हैं हम बाद में पूरा कर लेंगे, अभी जो सबसे बड़े दुश्मन है उस दुश्मन को तो पहले पटकने दो, उसके बाद बाकी बात करेंगे। इसलिए मिलकर लड़ना जरूरी है, और मिलकर लड़ेंगे तब ये लड़ाई जीती जाएगी। मैं देख रहा हूं इस आंदोलन में बहुत लोग जिनको आना चाहिए वो आ नहीं रहे, जैसे बहुजन समाज के बहुत से लोग, बहुजन समाज के मतलब सीधा समझो तो वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी भी इसमें शामिल है, बट आप सब लोग सड़क पर, दलित समाज के लोग भी, बहुजन समाज के जो बाकी बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या में आना चाहिए अभी उतनी बड़ी संख्या में आए नहीं है, और मुझे विश्वास है कि जब वो पूरी ताकत से आ जाएंगे इस लड़ाई का रुख उसी दिन पलट जाएगा, उसी दिन बदल जाएगा सारा, और आना उन्हें पड़ेगा, बच नहीं सकते, क्योंकि निशाने पर मुसलमान जरूर है पर असली निशाना एससी एसटी और ओबीसी है, बच नहीं सकेगा कोई भी। इसलिए समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई क्या है, ये लड़ाई सबकी है, अकेले मुस्लिम की नहीं है, अकेले क्रिश्चियन की नहीं है, अकेले हिंदू की नहीं है, बौद्ध जैन पारसी की नहीं है, सिख और ईसाई की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। और ये समझने के बाद ही इस लड़ाई का असली स्वरूप हम सबके सामने होगा और तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे साथियों। तो इसलिए सबको इस लड़ाई के मैदान में आना पड़ेगा। मैं आप फिर से कितना गुजारिश करूंगा, जो नहीं आए हैं अच्छा तो नहीं लगता पर दुख नहीं मनाना, उनको बुरा नहीं कहना, आएंगे आज नहीं तो कल आएंगे, देर सवेर आएंगे, बचेंगे नहीं, हमें आने ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। अगर हम खड़े बोल बोलेंगे तो दूर हो जाएंगे, वो तो बोल ही रहे हैं तो हमें उनकी भाषा नहीं बोलनी, हमें अपनी भाषा बोलनी है, वो प्यार की भाषा, वो मोहब्बत की भाषा, जिसने मेरे और आपके बीच की दूरी घटा दी, मैं कहां का रहने वाला और कहां के रहने वाले, आज हम एक परिवार का हिस्सा, इसलिए हमको प्यार से बोल के उनको समझाना है। और जो बात मैंने आपको समझाई है इसको समझो, हर व्यक्ति को बताओ, हर व्यक्ति को समझाओ और इस आंदोलन को मजबूत बनाओ, यही हमारी जीत होगी, अन्यथा हमारे पास कुछ नहीं, सरकार के पास सब कुछ है। एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, बातें बहुत हैं लेकिन अभी एक मीटिंग में और जाना है और सवा नौ बज चुके हैं, 12:15 बजे मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है क्योंकि सुबह 7:50 से दिल्ली से मेरी फ्लाइट है, बिहार में अररिया में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मुझे वहां भी जाना है, तो मैं निकलूंगा। लेकिन एक दो बात आपसे कहूंगा, उसको समझो, हम लोग बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़े जोश से बोलते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी जय हिंद, ये देश हिंदुस्तान था है नहीं, ये देश हिंदुस्तान था आजादी से पहले, अब नहीं है। जिस दिन से इस देश में संविधान लागू हो गया उस दिन से ये देश भारत है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो हिंदुस्तान बोलना बंद करो, हिंदुस्तानी बोलना बंद करो, हम सब भारतीय हैं, क्योंकि ये जो शब्द बोले
ये वही आरएसएस के शब्द हैं, ये बीजेपी के शब्द हैं। तो दुश्मन के शब्दों का उच्चारण करोगे तो चाहो या ना चाहो दुश्मन का ही घर मजबूत करोगे, तो करोगे क्या? इसलिए आज के बाद कोई भी साथी न तो हिंदुस्तान बोले, न हिंदुस्तानी बोले, न जय हिंद बोले। बोलना है तो जय भारत बोलो, भारत बोलो और भारतीय बोलो, यही हमारी पहचान है। इसके अलावा और कुछ नहीं है साथियों। आखिर मैंने जैसे बताया कि हम लड़ाई के मैदान में, लड़ाई में मजाक नहीं होता, और हमने बहुत मजाक किया, आज भी कर रहे हैं अपने साथ, और हमने इस मजाक में अपनी अज्ञानता में अपने दुश्मन को अपने सोने के कमरे में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में घुसा के रखा है, वहां जमा के रखा है। कैसे? जो टेलीविजन है, ये टेलीविजन तुम्हारा नहीं, टीवी ये तो सरकार का है, सरकार के तो भव्य रस्ता है चौबीसों घंटे। वो जो आप देखते हो बड़े बड़े एंकर, जैसे जैसे अभी जो है पाल ठोक के लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, नाम लेने की क्या जरूरत है, सारे तो जानते हो नहीं है। तो ये टीवी जो है इसमें हमने सास बहू के झगड़े बहुत देख लिए, अब नहीं देखने, गाने बहुत सुन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में मोबाइल है उसमें सुन लो, कभी कर पिक्चर देख रही है उसमें देख लो, लेकिन हमें किसी भी हालत में दुश्मन को अपने घर से बाहर निकालना, क्योंकि इस देश का जो मीडिया है जो 24 घंटे गलत प्रचार करता है, जो सरकार का प्रचार करता है, इस देश का बर्बाद करने का प्रचार करता है, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का राग रखता है, हमें उस दुश्मन को अपने घर से बाहर निकाल के फेंकना है। इसलिए अपने टेलीविजन में ताला लगा, आपसे कहा सुनील प्रसन्न वाजपेयी ने माने नहीं आप, आपसे कहा रविश कुमार जी ने टीवी देखना बंद करो उसमें क्या है, माने नहीं आप। हमारी बात थोड़ी दिखाता कोई, इतनी जगह आंदोलन चल रहा है देश में, 250-300 जगह शाइन बाग बन चुके हैं, इससे भी ज्यादा ही होंगे, लेकिन किसी का किसी भी आंदोलन को आज तक इस मीडिया में दिखाया नहीं। तो ये मीडिया हमारा नहीं है, तो जो हमारा नहीं है दुश्मन का है, तो हम दुश्मन को अपने घर में एंट्री देंगे नहीं, और उसमें जो पैसा खर्च होता है हमारा पैसा है, और हम अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई का एक भी पैसा अपने दुश्मन की जेल में नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में। तो ताला लगाओ इस टीवी पर, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो गलत प्रचार वो कर रहे हैं, जो सरकार का भप बन के वो रात दिन सरकार का प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार हम तक आना बंद होगा, हमारे बच्चों हमारे परिवार तक आना बंद होगा, और दूसरा हमारा जो पैसा है वो पैसा बचेगा, और इसके साथ साथ जब पैसा हमारा बचेगा तो पैसा दुश्मन की जेब में नहीं जाएगा, पैसे के मामले में उसकी कमर टूटेगी, और जब कमर टूटेगी तो वो भी जीतेगा। इसलिए टीवी में पहला, दूसरा ये रिलायंस, इस रिलायंस के सारा सामान खरीदना बंद करो, क्योंकि यही वो रिलायंस है। देखा ना मुकेश अंबानी कैसे जो प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख के चलता, देखा ना, दुनिया में ऐसा दौर नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर के कंधे पे एक व्यापारी हर घर पे चलेगा। अच्छा पता रखती है कि प्राइम मिनिस्टर की औकात क्या है और वो बिजनेसमैन कितना ताकतवर है, ये समझना। तो हमें रिलायंस का कोई सामान नहीं खरीदना, यहाँ तक कि रिलायंस का पेट्रोल डीजल जो पेट्रोल पंप है भरवाना बंद करो, कोई जरूरत नहीं हमें इसकी। और इसके साथ साथ ये जो जियो का आपने वो ले रखा है ना, जियो का सिम जो फ्री में बांटा है इसने, बांटा ना बांटा, और अब 700 रुपए लेता है, लेता ना लेता, तो बेईमानी देखिए, पहले मैं फ्री में बांट के फंसाया और अब 700 रुपए में दे रहा है, और अब हालत यह है कि काफी सारे बंद होने के कगार पे हैं, केवल यही अकेला रह जाएगा, और यही अकेला रह गया तो आपके पास सूचना जैसी ये चाहेंगे वैसी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए किसी भी एकाधिकार होने नहीं देना, मोनोपोली होने नहीं देनी, इसलिए इस सिम को निकाल के फेंको, चाहे वोडाफोन का, आइडिया का, एयरटेल का, चाहे जिसका लो, लेकिन इसे निकाल के फेंको, क्योंकि हम लड़ाई के मैदान में है, मजाक नहीं करने आए, और लड़ाई हमें जीतनी। और तीसरा, ये जो लाला रामदेव पतंजलि वाला,
इसके जितने भी उत्पादन हैं सारे खरीदना बंद करो, पतंजलि के जो है पता नहीं गाय और गोबर के चक्कर में दिन क्या क्या खिलाओ, बंद करो सारे के सारे। क्यों? यही है हमारे पास, हमारा हथियार क्या है, हमारी एकता, हमारा हौसला, हमारा जज्बा, हमारी ये बुद्धि, और उस बुद्धि के हिसाब से हमारी लड़ाई की रणनीति और कुछ नहीं है हमारे पास। न पैसा है, न सरकार है, न पुलिस है, न फौज है, कुछ नहीं। तो जो है उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हमें करना, और ये लड़ाई के मैदान में हमारी सबसे पहली रणनीति है। सबको बताओ जो मैंने आपको बताया है, सबको समझाओ जो मैंने आपको समझाया है। अगर ये तुमने नहीं किया तो न केवल अपने साथ बल्कि अपने बच्चों के साथ भी तुम अच्छा नहीं करोगे, बुरा करोगे। और मैं मानता हूं तुम कम से कम अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करोगे। ये है ढंग और ये है तरीका। आगे मीटिंग में जाना है, बहुत सी बातें हो गई हैं, कुछ बातें रह गई हैं, आगे कभी मौका मिलेगा क्योंकि आगे भी तो आना पड़ेगा, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अभी से इसका खत्म नहीं होना चाहिए, जो चुरा है और उसे बढ़ाना है, तो दोनों फिर आना है। इसलिए बाकी बातें बाद में, सिर्फ एक बात पूछा, तुम्हारे साथ में कोई हो न हो परवाह मत, किसी की भी परवाह नहीं। तुम अपने आप में बहुत बड़ी ये विश्वास तुम्हें होना चाहिए। लड़ाई पैसों से नहीं जीती जाती है, लोक तमंचों से नहीं जीती जाती है। इतिहास पढ़ के देखो, जब जनता खड़ी हुई है तो तोपों के भी मुंह बंद हो गए। ये जनता की ताकत है, इसलिए अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। मैं ऐसे ही घूमता हूं, ऐसे ये जो करना है कर रहे, जो रिकॉर्डिंग करनी है कर रहे, जहां इन्हें हमला करना कर रहे। अरे जब तक मौत नहीं आई मरूंगा नहीं, जिस दिन मौत आएगी बचूंगा नहीं। मेरा काम, मैं अपना काम करूं, तुम अपना काम करो, यही हौसला होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। और जैसे मैं ये उंगली दिखा रहा हूं, चौकीदार और परिपाल और इनकी जितनी भी सरकार है, यही उंगली दिखा के आज हमें यही काम करना है। और आपके उखाड़ के फेंकना है, जल से उखाड़ के फेंकना है, ताकि ये दोबारा वापस ना जाए इस देश में कहीं। ये काम, बहुत शुक्रिया। आप एक बार बस मेरे साथ में देखता हूं जोश कितना है, मैं देखता हूं नारे लगाएंगे मेरे साथ हिंसा। अभी आई नहीं आवाज उठते, ये भी नहीं बोल रहे क्या बात है, हल्ला बोल। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बताए आदर।